सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होगे, मस्त होगे, घर के अंदर ठीक ठाक होगे। तो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद आज एक फिर दोबारा से हमारा व्लॉग बनने को स्टार्ट हो गया। सबसे पहले बादल दिखा दूं और इसको दिखा दूं, अब इससे भी क्यूट लड़की दिखा देता हूं मैं, जो भी है ये, है ना। सुबह सुबह नेपाली नेपाली वाली आँखें हो रखी हैं इसकी, ये देखो। ठीक है, आप लेना है तो गाइस मेरे को देख लो, मैं तो टोपी टोपी पहन ली बिकॉज मेरे बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। सोच रहा हूँ आज कटवा के आ जाऊँ। ये देखो बीड वगैरह, ये बाल देखो, मेरे हिसाब से तो बड़े हो गए यार, मैं इतने बड़े रखता नहीं हूँ। बस लॉकडाउन में रखे थे वो तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, है ना। हर फुल अपनी ईयरिंग चल रही है यहाँ पे दबा के। अरे लिपस्टिक सुबह सुबह ये सब चीज़ें क्या अच्छा लगता है आपको? लिप बम क्यों भाई, क्यों लगाते हो सब चीज़ें? हाइड्रेशन। मुझे यार बहुत तेज भूख लग रही है, क्या खिला रहे हो आज मुझे आप? रोटी। मैं चाहता हूँ कुछ अलग सा बन जाए आज, तुम्हारे आज का बर्थडे दिन हो गए खाए हुए, जब से तबीयत खराब हुई है वैसे तुम रेस्ट करते हो। हाँ बीच में बनाया था ऐसे कोई बात नहीं, पर मुझे बता दो आज क्या बना रहे हो? आज तो नहीं पता क्या बनाना है। रायता वायता बना दो। हाँ मस्त सा। किससे सीखोगे? मम्मी से। चलो फिर। हाँ जी, क्या चल रहा है? ये क्या है, मसाला? मिर्च डाल ताकि तुम खा ही ना पाओ। इतना मिर्च थोड़ी डालता है, ये देखना, ये देखना। इसके अंदर प्याज तो काट दो, मेरी फेवरेट यार। प्याज मैं डालूं? प्याज पागल हो? थोड़ा सा प्याज तो डालना ही पड़ेगा आपको। मैं डालूंगा प्याज भी आज। मतलब यार बना रहे हो तो मेरे हिसाब से तो बनाओ थोड़ा सा। मैं भी तो खाऊंगा। तो तुम भी खाओ, थोड़े प्याज डाल दो फिर इसके अंदर। मैंने प्याज अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा डाल दो, मेरे को अच्छा लगता है। कटोरी में अलग डाल दूंगा। मम्मी देख रहे हो, थोड़ा डाल दो प्याज। यार रायते में थोड़ी प्याज नहीं होती मम्मी। मैं नहीं खाती प्याज, इनके में डाल दे कटोरी में अलग। आप खाते हो? किस चीज का रायता है? ये बूंदी का। बूंदी का रायता है? तो एक काम करना, ये कर लो ठीक है। ये तो कितनी मिर्च डाल दी इसने, ये मारेगी भाई आज। एक चुटकी मिर्च है। तो गाइस कल मम्मी गई थी शॉपिंग करने सरोजनी नगर मार्केट में, मम्मी और भाभी गई थी। तो मम्मी दिखाएंगे भी क्या क्या लेके आई है ना। ये वाली जूती ले आई। वाओ अच्छी लग रही है तो ना, सुंदर लग रही है। ये पजामा ले आई है। कौन सा? अच्छा अच्छा अच्छा, ये लोअर है। ये भी अच्छा लग रहा है देखना, सर्दी का। क्यूटी है, क्यूटी के ऊपर क्यूटी ना। ये था मम्मी का, ये वाला कलर में था, अभी दूसरा कलर लेके आई। पर मम्मी को पसंद है क्यूट क्यूट जैसी चीजें आती हैं। लड़की है ना मम्मी। मम्मी अभी क्यूट, मम्मी 18 साल की, बता तुम्हें तुमसे छोटी है मम्मी। बकवास कितनी कर रहे? बकवास नहीं कर रहा हूँ मम्मी, दिखाओ और दिखाओ। ओ वाओ, कंगन शादी के लिए तो पहले भी तो रखे हुए ऐसे कड़े। अच्छा इतने सारे रखे आगे फिर और ले आए थे मम्मी, और ले आई। ठीक है, मैं याद कर रही हूँ। नहीं देखो ना, ये बहुत अच्छे लग रहे भाई, ये चूल टाइप है, कितने प्यार लग रहे। चंचल महंगा भी नहीं, 100 रुपया का बस। बस सरोजनी नगर में सही मिल गया बढ़िया से, है ना। एक तो एक का किसी ले लो थोड़ी, अच्छा लगेगा। आज सुबह सुबह पापा ने भी टमाटर प्याज काट के एक प्लेट में सजा के नून मिर्च लगा के रखे। हाँ। और उसको चढ़ा और खा रहे टमाटर खा गए पापा के। कर दी कार्रवाई शुरू सुबह सुबह ही चटोरे कैसे बैठे दोनों डुड्डू डुड्डू। आजा आजा ऊपर आजा ऊपर, अंगड़ा ही ले रहा है, बाहर घूमी घूमी करने जाना है इसको। बहुत सोने बेटा, रो क्यों रहे हो आप? नीचे करो, मत करो। क्या हुआ? क्यों मारा? मैंने कब मारा? गाइस देखना कैसे कैसे बातें बोल रही है। मुझे मारा नहीं अभी। नहीं मारा मैंने, कब मारा? दिखा हाथ हटाओ एक बार मुंह से एक बार। मेरे आते ही तुमने क्यूटपन दिखा दिया है। मेरे आते ही क्यूटपन दिखा दिया। मैंने आपके पैरों की आवाज सुन ली थी, क्या आप आ रहे हो? और फिर आपने एकदम से क्यूटपन दिखा दिया। तो बोलो, सब ऐसे अंगड़ाई लेते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। मैं बोलती हूँ मम्मा। तो मम्मा भगवान ही है। Hey guys, good morning, कैसे हो? क्या कर रहे हो? देखो guys, कैसे कैसे हालत है मेरी, ये लड़की वाली चप्पलें पहनने को मिल रही है मेरे को, मस्त ये देख लटक रहा है मेरा लाड़ा। तो गाइज अपने संडे के मील बोले तो अपना खाना, तू सबसे पहले आना। तो भाई जिसके अंदर है सलाद है, शक्कर है जो कि मेरी फेवरेट में खाता हूँ, रायता है और सोयाबीन की सब्जी है और रोटी है। और मैं खाने लग रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रही बहुत तेज भूख, निपटाते फटाफट। शिवानी भी नहीं खाई, कह रही अभी दूध पिया उसने, कह रही थोड़ी देर बाद खाऊंगी। मैं क्या हो गया ऐसा मुँह पे बन गया, ढूंढ रहे थे घंटे से कुछ मिला नहीं। यार मेरी हुड्डी नहीं मिल रही वाली यार। कौन सी हुड्डी थी? आप उसको खोलो मेरे को, मेरा खाना खाया भी मेरा मन नहीं उठाने। खोलो, मैं बहुत देर से खड़ी हूँ, नहाने जाने, मेरी हुड्डी नहीं मिल रही नई वाली यार। हुड्डी पहनोगे? पकड़ो फिर इसको।
खोलो भाई साहब, देखो आप इसको पकड़ो फोन को ना। अरे को भाई मिली नहीं अभी तक, ढूंढ ढूंढ के थक गई है। मेरे को शौक से याद है मैं तुम्हारे कपड़े में रखी थी, तुम किसी को दे के आए हो क्या? अरे मैं किसको क्या दूंगा, क्यों दूंगा भाई मैं किसी को? पत्नी पैकती हूं मैं, मेरा क्या मतलब किसी को देने का, नहीं लाके दूंगा ना फिर, तुम्हारी क्यों दूंगा? दूंगा तो मेरी भी नहीं थी वो, मैं नहीं लेके आई थी। तो मतलब देने दोगे मुझे तुम? कॉलेज में देके आए हो किसी को बैग में रख के? पागल हो गए तुम, किसी के बर्थडे में देके आए हो? क्यों देके आओ किसी बर्थडे को, लड़की वाली क्यों दूंगा? आपके कपड़े में रखी थी, अब मेरे को पैंट में नहीं मिल रही वो। तो मुझे क्या पता, मैंने तो छेड़ी भी नहीं वो। तो उठो ढूंढवाओ, आप ही देके आए हो मुझे पता, तभी पागल हो मैं देके आया हूँ। तभी आप बार बार बोल रहे हो नहीं जला दूंगा नहीं जला दूंगा, मुझे वही चाहिए, मेरी मम्मी ने जलाई है वो। बेबी मेरे पे क्या पता, मुझे क्या पता कहाँ है वो, मैंने यही तो रखी थी। नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे पास नहीं है। ये क्या लेके घूम रही है? मैं तो किसी और को दिया आया था ना, किसी लड़की को गिफ्ट करके आया था ना मैं तेरे कपड़े। कहाँ मिला है आखिरी में? इसके अंदर था। तो मतलब पति गलत रहता है हमेशा? मैंने सूट के अंदर रख दिया था गलती से। अच्छी लग रही है ना ये? की नहीं ये तो तुम पहन के आओ, चलो ना के आओ। ना के आओ, कम से कम 2 घंटे लग गए मुझे इसको ढूंढने में। इतने सारे कपड़े हैं इसके पास, इस सारे भरे पड़े हैं। मेरे कपड़े से भरे पड़े हैं? मेरे मेरे तुम्हारे तुम्हारे ज्यादा तुम्हारे हैं, मेरे पुराने कपड़े हैं। सो गाइज मैं आ गई हूँ नहाकर, और आप ये देख सकते हो मैंने अपना पूरा स्किन केयर भी कर लिया, और मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ गाइज। अच्छा, मुझे पीच में एक तो दाने हो गए थे, वो दवाई खा के अच्छा हो गए। और ये मैं जैसे ही अपने मुंह पे कुछ लगाऊंगी, हाथ लगाना ऐसे ऐसे नहीं करना, अभी सारे प्रोडक्ट तो आप ले लोगे, मत करो अभी 2 मिनट, थोड़े आधा घंटा तो एटलीस्ट टच मत करो मेरे मुंह को। तुम सुंदर लगते हो ना, मुझे तुम्हें टच करने का मन करता है। मत अब मैं ये भी मत करो। और गाइस आज मेरे को बाल वाल कटवाने यार, काफी हो गया। बस बता देना ये विदाउट फिल्टर है, मैं कैसी लग रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रो, हैप्पी बर्थडे। तो बर्थडे मुझे पता ही नहीं यार तुम्हारा बर्थडे है, सच बताऊं तो अभी पता लगा जस्ट कि बर्थडे है तुम्हारा यार। कोई नहीं, ये भी बर्थडे विश कर रहा है। ये ना कर दे बस, ये तो गिफ्ट देगा, देता डायरेक्ट। स्मार्ट लग रहे तुम यार, है सेक्सी वो ये। तो गाइज आज जतिन का बर्थडे है, तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा खाना पीने के लिए। वो कह रहा है कि चलो भाई थोड़ा सा आ जाओ बाहर, चल लो। वो लेके जा रहा है सैंडोज में लेके जा रहा है, तो चलते हैं। मैं भी रेडी हो गया हूँ, और ये भी रेडी हो गई, इसके पैर में दिक्कत है पर ठीक है ना, मस्त लग रहे हो तुम। पापा बोल रहे हैं कि चल। चलो चलो चलो, हाँ तुम्हारी दिक्कत थी, हाँ रोड डूब जाएगा ना साथ, अकेले इसको छोड़ देंगे तो फिर ये रोएगा यहाँ पे। तो भाई नितिन और जतिन भैया आएंगे स्कूटी पे, और गुड्डू मैं और हम सब चलते हैं गाड़ी में, और ये बैठा है आराम से यहाँ पे। इसमें क्या है, भैया का गिफ्ट, और आगे वाले उसमें केक, फिर आप तो चले जाओगे अंदर। तुम भी छोड़ कर आ देना उसको, छोड़ के डुड्डू का। मैं और डुड्डू यहीं बैठ के खाना खाएंगे, खा लेना ये गाड़ी में। तो पापा बोलेंगे चलो, इसलिए मैं आ गई। तो भाई सब चल दिया खाना खा रहे हैं, हमें डुड्डू को और मुझे छोड़ के। पापा छोड़ा नहीं, छोड़ने तो घर पे, बल्कि पापा ही लेके आए मुझे। पापा मैं तो घर रुक रही थी, पापा ने कहा चल गाड़ी में बैठ के मैं देखते रहिए, वो है ना सामने, हाँ वो दिखता रहेगा मेरे को, ठीक है ठीक है। गाइस यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे साउंड म्यूजिक चल रहा है तो मैं ज्यादा व्लॉग नहीं बना पाऊंगी, नितिन अभी रह गए और हम सब यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं डुड्डू की, ये रिसी डुड्डू। तो फाइनली आ गए हैं नितिन यहाँ पर, फाइनली नितिन यहाँ पर आ गए हैं, और डुड्डू नितिन की गोदी में है। अब केक कटिंग होगी यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जतिन यादव, हैप्पी बर्थडे जतिन यादव, ओ सॉरी सॉरी जतिन अरोड़ा, अरोड़ा जतिन अरोड़ा भैया, मेरे से नहीं खाया आपने पहले, वाओ। तो गाइस खाना हमारा आते हुए, और खाना आ रहा दबा दबा के फर्स्ट मस्त। अरे छोड़ दो इंस्टाग्राम, और कितना चलाना इंस्टाग्राम बेबी। यहाँ पे इंग्लिश गाने चल रहे हो, समझ में नहीं आ रहे कुछ भी। भाई मैंने तो अपना केक खाया है नहीं, केक मेरा बचाओ, केक बाद में खाऊंगा। और मैंने सब्जी वगैरह डाल ली, सबने डाल लिया अपना सारा सामान, तो फटाफट से खाना करते हैं स्टार्ट, सबने कर दिया। तो गाइस खा लिया खाना, चलो अब चलते अपने घर पे। हाँ भाई कैसा लगा खाना, पेट भर गया तुम्हारा पूरा, घर चले जाए भाई। तो भाई ये सारे निकल गए घर पे, हम जाएंगे स्कूटी पे, बर्थडे बॉय को लेके जा रहा हूँ मैं स्कूटी पे। बर्थडे बॉय थोड़ा सा अलग जाता है, हवा में जाएगा पूरा, आज बर्थडे है तो कुछ अलग करना पड़ेगा ना।
तो अलग तुम्हें स्कूटी में लेके मस्ती मारते हुए। अरे यार पता है स्कूटी का सफर रहा हूँ, सफर सबसे तगड़ा है सही में, सबसे अलग है। हवा लगती रहती है, हवा लगती रहती है, मजा आता है ठंडी ठंडी। मैं तो कॉलेज जाता हूँ दूर दूर, मस्त मजे रात का मजा अलग है। अभी ले रही है लोअर और पूरी दुकान छड़ मारेगी और फिर एंड में इसको पता नहीं पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा। और देख इसकी नज़र ना सीधी डूडू की, सीधी शिवानी के ऊपर सीधी। फुल थका रहा इंसान आखिर में आके अपना पानी पी रहा है, घर तो घर ही है अपना, घर में कहीं घूम लो भाई, चाहे कोई फाइव स्टार लाइट ला लो, अपने घर में लाइट है। हाँ है हमारे घर में लाइट, चाहे कोई कितना फाइव स्टार होटल हो, चाहे कितना रेस्टोरेंट हो भाई, ये बहुत मस्त लगता है अपना घर अपना घर है ये। अपने लेकिन जुराब देखो, अरे यार जल्दबाजी के चक्कर में जुराब फैशन है आजकल का, बहुत रखी है जल्दबाजी में फैर गया। अरे थोड़ा सा जुराब तो बहुत रखी है, नहीं जुराब तो है पर फैशन। तो गाइस मैं अपने बाल बाल सेट करवा के आ गया था, मैंने बाल कटवा लिए अपने, बियर्ड कटवा लिए जैसे कि मैंने सुबह आपको बोला था, क्योंकि यार वो ना बहुत ज्यादा चुभने लग गई थी है ना, ऐसे मुंह के ऊपर आ रही थी, अजीब सा लग रहा था बहुत। बाल भी मैंने करवा लिए ठीक ठाक से, भी टाइम लगेगा इनको सेट होने में, बाल भी अपने बढ़िया सेट हो गए ठीक है। तो गाइस अभी टाइम है भाई यार, फिर इसका सेल भूल जाता हूँ मैं डेली, इसका सेल अभी 3 घंटे भी चल रहे हैं, अभी 10:30-11 बज रहे होंगे और 7:30 बज रहे हैं इसके अंदर। सो गाइस आज का दिन होता है हमारा समाप्त, अभी मैंने काफ़ी दिनों के बाद वाली टी शर्ट पहनी है, मैंने अलमारी में से निकाली, मस्त लग रही इसके अंदर, हैवी हैवी से लग रहा। तुझे क्या चाहिए? चीज चाहिए भाई इसको, चलो चीज देते हैं आपको, ये आ गई भाई डुडू चीज, आ जा चलो पर चल दिया, चढ़ जा खा जा, खा ले पूरी। तो गाइज आज के व्लॉग को करते हैं पे खत्म, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहो अपनी जिंदगी में, ओके बाय।